देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है, जिससे लोग शोक में डूबे हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो एक ऐसे सितारे थे जो दुनिया से भले ही चले गए हों, लेकिन लोगों के दिलों से कभी नहीं जा सकते और आज भी वो जीवित रहेंगे उनके दिलों में। तो ऐसे अभिनेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं खबर लहरिया टीम की तरफ से कामना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये बहुत ही दुखद समाचार है और हमारे पीछे तो हस्तियाँ उठी हैं जिनके लिए बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऋषि कपूर जी तो महान थे, बहुत महान श्रेष्ठ अभिनेता थे। उनकी हर एक मूवी, हर एक उनकी कॉमेडी मूवी है, चाहे लव मूवी हो, चाहे जो सारी मूवी बेस्ट थी। और उनके बस यही कि उनको भगवान की आत्मा को शांति दे। और प्लस इरफान खान जी, वो भी हास्य कलाकार थे, बहुत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बेहद पसंद आई हो और हमेशा आपको याद रहेगी? उनकी ऋषि कपूर की तो बेहद मूवी मुझे अच्छी लगती है, बार बार मैं देखती हूँ बॉबी, और उसका गाना हम तुम्हें कमरे में बंद हो, बस सुपर। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जो आपको बहुत ज़्यादा यादगार हो ऋषि कपूर या इरफान खान, दोनों में कौन कौन से डायलॉग अच्छे लगे आपको? अभी ऋषि कपूर में जैसे उनकी बोल आधे बोल फिल्म पे, तो वो उनके डायलॉग बहुत मशहूर थे। और जो इमरान पठान जी हैं, उनका जो अभिनय का बोल था एकदम कड़क और अच्छे बोल के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जो भी उन्होंने संघर्ष किया, उनके कभी बोल सब लोगों ने पसंद किया और हमेशा संघर्ष चीज से उन्होंने अपनी बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। और अन्य बॉलीवुड सितारों के उससे बताया जा रहा है कि इतने सबसे अच्छे अभिनेता माने गए हैं और अच्छी फिल्में भी उनकी बनाई गई हैं, और ऐसे अभिनेताओं पर हमें बहुत गर्व है। ये दोनों कलाकार बहुत ही अच्छे कलाकार थे और इनके जाने से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिनकी भरपाई होना बड़ा असंभव है। बहुत बढ़िया एक्टर थे ये, इनके बहुत VIP फिल्में थी, बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। पिया, she is everything a parent could want, bright, industrious, but most importantly to us, honest and humble. We are very blessed to have Pia as our daughter. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, पहचानो नहीं आ रही हमारी बच्ची किसी और की बच्ची है। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इरफान खान जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, वैसे मैंने उनकी जितनी भी मूवीज़ देखी हैं उसमें से हिंदी मीडियम मुझे सबसे बेस्ट लगी और वो काफ़ी अच्छे एक्टर थे, तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सुनकर दुख हुआ। अभी हाल ही में अपने इंतकाल से पहले उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में शायद कि मैं आप सबके बीच हूँ भी और नहीं भी, वही याद है और कुछ खास नहीं। वो ऐसा था कि उनके पर गाने, मूवी और उनके डायलॉग बाजी, हर चीज़ उनके बहुत ही अच्छे थे, मतलब एक हिसाब से माना तो लाजवाब। उनके किसी भी गाने का नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ, जैसे एक वो गाना था दीवाना पिक्चर का, मेरे दर्द से दिल आवाज रहा है, ये वाला गाना ही बहुत है, उस टाइम बहुत सुनना था, अभी भी कभी मन चलता है तो सुन लेते हैं। तो अब आपके बीच नहीं है वो, अपन लोगों के बीच, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अब ऐसा है कि कल अपन ने इरफान खान जी को खोया है, आज ऋषि कपूर जी को खोया, इससे विडम्बन दुर्घटना में ये लग रहा है
जैसे कि अपने भारत से दो रत्न चले गए हों। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। आप देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से संकटग्रस्त है और इस संकट की घड़ी में हमारे फिल्मी जगत के प्रसिद्ध एवं मशहूर कलाकार भाई श्री इरफान खान जी तथा हमारे बहुत ही अच्छे अभिनेता ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है और ये हमारे फिल्म जगत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो दोनों ऐसे बेमिसाल कलाकार थे कि वैसे कलाकार पैदा होना बहुत मुश्किल है हमारे देश में, हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। दीदी, हमने इरफान खान जी को फिल्म पान सिंह तोमर, पीकू फिल्मों में उनके डायलॉग्स और उनके अभिनय को देखा है। माननीय इरफान खान जी एक अलबेले अभिनेता थे जो उनकी कला की कोई नकल नहीं कर सकता। हम उनको बार बार जो है प्रणाम और सलाम करते हैं और उनका जाना, दोनों कलाकारों का जाना हमारे देश के लिए, हमारी फिल्मी जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हम अपनी तरफ से उन्हें ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि न जाने कौन सा है वो देश, न कोई चिट्ठी न संदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।